नीलकंठ पर्वत की चोटी पर बैठे भगवान शिव और माता पार्वती ऐसे ही निहारते होंगे भगवान बद्री विशाल की सुंदर सी नगरी को। हमें भी आज मौका मिला इस बद्री विशाल की सुंदर सी नगरी को निहारने का, जब हम पहुँचे चरण पादुका की ओर। नीलकंठ पर्वत की तलहटी पर बसा चरण पादुका नामक यह तीर्थ, कहते हैं भगवान बद्री विशाल ने अपनी बाल लीलाएं यहाँ पर रची थी, जिसके साक्ष्य के रूप में भगवान बद्री विशाल के पदचिन्ह आज भी यहाँ के पत्थरों पर स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। इसीलिए इस तीर्थ क्षेत्र को बद्रीपुरी में चरण पादुका कहा जाता है। तो दोस्तों, दर्शन करने के बाद मैं पहुंच गई हूँ होटल पे। हर्मिटेज इन द हिमालयाज होटल का नाम है और बहुत सुंदर सी लोकेशन पे बना हुआ है। और यहाँ से सामने से दिख रहा है अपना बामणी गांव और उससे ऊपर है चरण पादुका। तो शायद अभी इसके बाद हम लोग वहीं जाएंगे वॉक करते करते और आपको भी दिखाएंगे, तो बने रहना हमारे साथ। ये है अलकनंदा के तट पर बना अष्टाक्षरी आश्रम, जो होटल हर्मिटेज इन द हिमालयाज से मात्र 150 मीटर की दूरी पर है। अलकनंदा नदी पर बने बामणी पुल को पार कर और खाक चौक अन्य क्षेत्र से होते हुए हम पहुंचे लीला ढूंगी नामक तीर्थ पर, जो कि बामणी गांव में है। पास में ही लीला ढूंगी नामक स्थान है। यहाँ पे इस स्थान की यह कथा है कि ये जो पत्थर सामने दिख रहा है, यहाँ पे भगवान विष्णु जी बाल रूप में शिव और पार्वती जी को मिले थे और फिर वो उनको अपने साथ उठा करके बद्रीपुरी बद्रीनाथ मंदिर की ओर ले गए थे। तो ये पत्थर बद्रीनाथ में आते हो तो बामणी गांव के नज़दीक है। आइए यहाँ पे थोड़ी देर बैठिए और थोड़ी देर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कीजिए। बद्रीपुरी के पुराने बाजार और पंडा मोहल्ला को पार कर हम पहुंचे सवा गेठा पर। बहुत सारे आश्रम है यहाँ पे और सामने दिख रहा है ऋषि गंगा वाटरफॉल और यहाँ से बद्रीपुरी का पूरा नजारा दिखाई देता है। तो दोस्तों, अभी मैंने बद्री विशाल के दर्शन करने के बाद, नाश्ता करने के बाद, अब हम लोग निकल चले हैं चरण पादुका की ओर और सामने है बद्रीपुरी। देखिए कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है, यहाँ से काफ़ी खूबसूरत से नज़ारा दिख रहा है, काफ़ी डेवलप हो रहा है यहाँ पे। बदलता बद्रीनाथ की तस्वीर देखिए आप लोग और सामने ये सुंदर सा वाटरफॉल काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। हो सकता है घर नीचे आते हुए हम लोग यहाँ पे जरूर जाएंगे। और थोड़ा सा ट्रैक है, मतलब 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है, आधा हम लोगों ने क्रॉस कर लिया है, 1 किलोमीटर और बचा हुआ है। उस टॉप के ऊपर चढ़ना है हमको और वहाँ से फिर फील्ड आ जाएगा, ग्राउंड आ जाएगा जहाँ पे कृष्ण भगवान के चरण है। तो चलो चलते हैं और ट्रैक में बने रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है। और मैं काफ़ी आगे पहुँच चुकी थी इनसे तो मुझे इनका वेट करना पड़ रहा है। देखो कितने मस्त मगनों के आ रहे हैं, सच में चारों तरफ का माहौल इतना खूबसूरत है ना कि नज़रें हट ही नहीं पा रही हैं, घंटों किसी चीज़ को देखने का मन कर रहा है। ताजी अन फूल की कुतर ना तो ना तुलसी ना बड़ो को मावा बिछवाना को ना, कितना सुंदर लग रहा है। थोड़ी देर चलने के बाद हमें दिखाई दी ये हनुमान गुफा। पहाड़ की ढलान पर एक छोटा सा आश्रम सा बना हुआ है, सोचा चलो दर्शन कर लेते हैं, पर जाकर देखा वहां पर कोई भी नहीं था और आश्रम भी बंद था। Thank you.
कुछ इतनी हाइट में हम लोग अभी पहुंच चुके हैं। देखिए आपको खुद ही लग रहा होगा, पूरी पहले हम लोगों के सामने थी और अब हम लोग ऊपर की ओर आ गए हैं, मतलब काफ़ी टॉप में ऊपर आ गए हैं हम लोग। और रास्ता कुछ इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ से क्रॉस करते हुए चढ़ते 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 हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं। ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर डन हो चुका है हम लोगों का। कुछ मिनटों की चढ़ाई के बाद हम पहुँचते हैं ऐसे स्थान पर जो कि ऋषि गंगा वाटरफॉल के एकदम ऊपर से है। नीचे ऋषि गंगा वाटरफॉल नजर आ रहा है और सामने बद्री विशाल की बद्रीपुरी। दृश्य काफी मनमोहक है पर हमें अभी रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। तकरीबन 300 मीटर चलने के बाद हम पहुंचे इस ऊंची पहाड़ी पर जहां से चारों तरफ का नजारा इतना मंत्रमुग्ध कर देने वाला था कि हम अपने गंतव्य को भूलकर यहीं पर बैठ गए और निहारते रहे भगवान बद्री विशाल की इस सुंदर सी नगरी को। सच में मनुष्य ने स्वर्ग की कल्पना ऐसे ही किसी सुंदर से स्थान को देखकर की होगी। चरण पादुका तीर्थ से तकरीबन 500 मीटर पहले गुप्त गंगा नामक तीर्थ है जहां पर एक गहरी गुफा के अंदर गंगा के दर्शन होते हैं। चरण पादुका के बहुत नज़दीक है हम लोग। और ये एरिया आपको दिख ही रहा होगा कितना शांत है, बादल उड़ रहे हैं, ऋषि गंगा सामने से कलकल करती हुई बह रही है। अरे छोटे छोटे स्टोन से बनाए हुए इस रूट मार्किंग जैसे यहाँ पे कहा जाता है कि ये चीज़ें करनी पड़ती है और करना भी चाहिए, थोड़ा गेम भी हो जाता है और काफ़ी खूबसूरत भी लगते हैं लोग। दोस्तों अब हम लोग पहुंच गए हैं चरण पादुका पे, सामने पे दिख रहा है चरण पादुका का झंडा और उसी की तरफ हम लोग जाने वाले हैं। आगे पे सामने दिख रहा है ग्लेशियर और वो बहती हुई ऋषि गंगा, ऊपर की ओर वाटरफॉल काफी खूबसूरत। पहुंच चुके हैं चरण पादुका सिर्फ शिला के नज़दीक। और देखिए ओम नमो नारायण, और ये जो पद हैं ये भगवान बद्री विशाल के पैरों के निशान कहे जाते हैं। तो देखिए आप भी दर्शन कीजिए।
यहाँ पे चाय की भी व्यवस्था की गई है। तो ये देखिए यहाँ पे रखा गया है चरण पादुका के एकदम नजदीक में रखा गया है ताकि कोई भी आकर के थकान को दूर कर सकता है। दोनों अभी सूज पहन रहे हैं लेकिन मेरा तो हो चुका है और मैं तो लूंगी चाय की चुस्की। चरण पादुका तीर्थ पर कुछ समय बैठने के बाद अब समय हो चुका है वापस बद्रीपुरी जाने का। और जैसे कि तय था कि लौटते हुए आपको ऋषि गंगा वाटरफॉल का नजारा दिखाया जाएगा, तो चलो ले चलती हूँ आपको उसी स्थान पर। वाटरफॉल के पास और ये ऋषि गंगा वाला वाटरफॉल है जो ऊपर से नदी आ रही थी वो यहाँ पे इस तरह से दिखता है। क्योंकि पता क्या है इसकी जो छीटे है ना हमारे फेस में पड़ रहा है ना, थोड़ा ताजगी सा फील हो रहा है ना कि पूरी जगह नहीं हमारी, बहुत मजा आ रहा है। ये सामने रहा बामड़ी गाँव, बामड़ी गाँव से जो जो पत्नी है जो काफी खूबसूरत आप देख सकते हैं। तेजी से आ रहा है ना, ये देखो धुंध उड़ रही है पानी की और ये जो पूरे स्टोन रखे हुए है ना पूरे गीले हो चुके हैं लेकिन बहुत खूबसूरत लग रहा है। देखिए ये ऋषि गंगा वाटरफॉल बद्रीपुरी में एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है, काफी सुंदर सा। और अब हम इसी के किनारे किनारे चलते हैं बद्रीपुरी अपने होटल की ओर। थोड़ी देर ऋषि गंगा नदी के तट पर खड़े होकर हम निहारते रहे इस ऋषि गंगा नदी को और सामने बामड़ी गांव को। और अब समय हो चुका है अपने होटल की ओर जाने का। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में जो कि माणा विलेज पे है। जय बद्री विशाल दोस्तों।